कैसी बातें करती हो दीदी, मैं सबसे अधिक प्रेम आप ही से करता हूँ, आप ही से, और इसीलिए सर्वप्रथम लड्डू आप ही को खिलाऊंगा। क्या हुआ, आप ऐसे रोने क्यों लगी दीदी? बोला मेरा परंतु खिलाओ उसको रे। क्या बात है, ध्यान कहीं और मन कहीं और, वाह। कोई बात नहीं, चुप हो जाओ शारदा, मुझे तो पहले से ही ज्ञात था ऐसा ही है तुम्हारा भाई, केवल दिखने में भोला है, अंदर से सपोला है, सपोला। हाँ सही कहा आपने, ये हमारा भाई नहीं है। हाँ इसको चाहिए इसलिए हमें। हाँ फिर तो कहा तुमने हमारा, सही कह रही है बिल्कुल। शारदा रोना ही है तो थोड़ा सुर में तो रो लो, जैसे मैं रोया करता हूँ। अरे रुक जाइए गुरुजी, सुन लिया तो रुक जाइए। अरे गुरुजी कहाँ जा रहे, रुकिए गुरुजी। चुप रहो गुरुवर, गुरुवर जब देखो रोना शुरू कर देते हो, चलते चलो नहीं रुकेंगे हम। अरे गुरुजी पंडित रामकृष्ण का निवास इधर नहीं उधर है, ये तो नगर कोतवाल का निवास है। गुरुजी अरे आज चुप कर बैठे हो, दोस्त निर्लज्ज पाखंडी, सांस कैसे हुआ तुम्हारा, हमारी छोटी सी प्यारी सी सुशील सी बहन पर दौरे डालने का। अरे ये गुरुवर ये क्या कह रहे हैं आप, बीच में मत बोलिए आप, मत बोलिए आप। ये भी चार चार के दिखाई दे रहे हैं, किससे बात करें, इससे बात करें, इससे बात करें, किससे बात करें, जो भी चुप रहिए आप, बीच में मत बोलिए आप, अपने परिवार के समक्ष हमें सत्य बोलने दीजिए, ताकि आपकी धर्म पत्नी को भी पता चले जिसे वो अपना परमेश्वर समझती है वो परमेश्वर नहीं छलेश्वर है, छल भरा है उसके मन में, विचारों में विकार है, मन का हल्का है, मन चला है, तन चला है। ये तन चला क्या है, ये खड़ा है ना तन चला, जिसके तन के कोने कोने में गंदे विचारों के कीड़े मकोड़े भरे पड़े हैं, पतली होते हुए भी पराई स्त्री पर फिसलता है। मारे क्या कह रहे हैं गुरुवर, पत्नी घर पे है। हाँ उसके पश्चात भी पराई स्त्री पर चिताता है। गुरुवर आप पिटवाएंगे। चुप रहिए, तुम जैसे व्यक्ति को तो घर से धक्के मार मार कर बाहर निकाल देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। ये क्या है, ये हमें चार चार अजीब से प्राणी क्यों दिख रहे हैं? गुरु जी ऐसा इसीलिए क्योंकि हम पंडित रामकृष्ण जी के घर में नहीं है, कोतवाल के घर में है, और ये उनकी धर्म पत्नी है। ये क्या कर दिया हमने, ये क्या हो गया हमसे? गुरु जी आपने गलत घर में आग लगा दी, गलत आग में घी डाल दी। मुझे तो पहले से ज्ञात था शारदा ऐसा निकलेगा तुम्हारा भाई, मस्तिष्क से भी कच्चा और मन से भी कच्चा। हाँ बापू आग में घी मत डालो, अग्नि आपकी और ही लपटे मारेगी। यही सिखाया था माता पिता ने, कर्तव्य ऐसे निभाते हैं। भाई तो हम भी कह रहे हैं कर्तव्य ऐसे निभाते हैं। तुम मुझ पर क्यों कुपित हो रही हो? सारा दिन दरबार दरबार करते रहते हो, परिवार की कोई चिंता ही नहीं है, उठा लो। क्या घर का दायित्व उठा लो, कर्तव्य पूर्ण कर लो, परिवार का उत्तरदायित्व उठा लो। परिवार को तो कुछ समझता नहीं है, एक दिन दरबार न जाकर घर संभाल लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा तेरा। यही तो प्रातः मैं बोल रहा था। तो जो बोलते हो करते क्यों नहीं? वही करने तो शीघ्र आया हो, तो अवकाश क्यों नहीं लिया? अरे वही तो ले रहा था। मत बोल मत कर। अरे परंतु तुम दोनों कुछ करने कहाँ थे? बहुत हो गया कर्तव्य से भागना, अब आप ही संभालो। तो संभालना ही पड़ेगा, अन्यथा गुरुवर से सीधे सीधे शत्रुता आरंभ हो जाएगी। अत्यंत ही अनुचित समय पर ये चक्कर प्रारंभ हुआ है, किसी को मेरा अन्नप्राशन तो स्मरण ही नहीं। आपने त्रुटि से एक दानव को क्रोध दिला दिया है, और इसके प्रकोप के सामने जो भी आएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये,
चार चार दानव हमारी और क्यों आ रहे हैं? आप क्यों नहीं कोतवाल जी की ओर जा रही हैं? मैंने पूछा कौन है वो स्त्री? कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो क्या गुरुवर झूठ बोल रहे हैं? गुरुजी, कोतवाल जी की रक्षा कीजिए, अन्यथा आज कोतवालन के हाथों उनका अंतिम संस्कार तो हो ही रहेगा। अरे चुप रहो मूर्खो, जब आंधी सामने हो तो सर्वप्रथम अपनी धोती को संभालना चाहिए। ये तो मात्र पिटेगा परंतु हम तो चकनाचूर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया गुरुजी, आपने पहली बार बुद्धि की बात की है। इससे पहले आंधी का रुख हमारी ओर आ जाए हमें यहाँ से पलायन कर जाना चाहिए। हाँ, निकल लो। मुझे दरबार के लिए निकलना है। अरे नहीं, अपने पति पर प्रहार करोगे? अरे पति पर प्रहार करना पाप है। अच्छा, चरणजीवी वेंकटेश। अरे बच्चों को क्यों बुला रही हो? प्रसाद वल्लू मंगलम, उत्तप्पा सुंदरम, जय सूर्या। क्यों सबको बुला रही हो? बच्चों क्या कर रहे थे? कुछ नहीं मामा। तो अब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अनंता देवी, एक अच्छे अतिथि का कर्तव्य होता है कि कुछ समय, मात्र कुछ समय ही जजमान के यहाँ रहना और पुनः अपने घर चले जाना। सत्य कहा, और ऐसा ही होना चाहिए, अन्यथा अतिथियों को सम्मान मिलना बंद हो जाता है। हाँ, सत्य वचन, सत्य वचन। देखो तो कितनी समझदार है अम्मा। तो आपको नहीं लगता कि आपको भी एक अच्छे अतिथि के कर्तव्य का पालन करना चाहिए? हाँ, परंतु सर्वप्रथम हम तो इस घर के अतिथि है ही नहीं ना। बापू, इन्होंने मन ही मन गोविंद को अपना पति और इस निवास को अपना ससुराल स्वीकार कर लिया है। तो क्या है, हम तो आपकी पत्नी की होनहार सी, प्यारी सी, समझदार सी, सब असत्य, सुशील सी विद्यार्थी है। और विद्यार्थी तो तब तक नहीं जा सकते ना जब तक उसका पाठ पूर्ण ना हो जाए। वो तो हो गया ना। अरे वो तो हो गया, वो देखिए आपने खीर बना भी ली। आहा, देखने में ही कितनी स्वादिष्ट लग रही है ना अम्मा। अब आप प्रसन्नता पूर्वक यहाँ से प्रस्थान कर सकती हैं। हाँ, वही तो नहीं कर सकते ना। हमने अपने भ्राता श्री के सर की सौगंध खाई थी कि जब तक हम शारदा देवी से सारे पकवान बनाना नहीं सीख लेते ना, तब तक हम इस घर से नहीं जा सकते। और इतना सब कुछ सीखने के लिए अब 2-3 माह तो लगेंगे ना। नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? अभी तो ठीक हूँ, किंतु आप 2-3 माह यहाँ और रुकी तो गुरुवर के हाथों मेरा इस संसार से गमन हो जाएगा। कुछ और ही सोचना होगा बापू। तोता मैना में मैना चतुर है, इस तोते का ही मस्तिष्क धोना होगा। तोता गोविंद गोविंद गोविंद। गोविंदुलु, दरबान की भांति यही खड़े रहते हो क्या द्वार पे? हाँ, यहाँ से हटने का मन ही नहीं करता है। और क्या क्या मन करता है? मन कभी करता है, कभी धक धक करता है, तो कभी फड़फड़ करता है। ओ फड़फड़ को मार बस करो, संभालो अपने आप को, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। इसलिए तुम्हें अतिथियों से दूर रहना चाहिए, विशेषकर अनंता से। जीता जीजा जी, वैसे ही करूंगा, परंतु मेरे पाँव स्वयं ही वहां चले जाते हैं। जीजा जी, काट डालो उन्हें जी, अर्थात वश में रखो, वश में रखो। हाँ, हाँ, वैसा ही करूंगा, परंतु वो स्वयं मेरे पास आ गए तो मैं क्या करूंगा? तो मुझे ही कुछ करना होगा। क्या करना होगा जीजा जी? तो मुझे ये बताओ, तुम्हें सबसे अधिक समय किस कार्य में लगता है? गिनने में। बहुत अच्छे, तो भंडार गृह में जाओ और जाकर गणना करो कि अब तक अन्न प्रसन्न के लिए कितने लड्डू तैयार हुए। जाओ। हाँ, जो आगे जीजा जी। गोविंदुलु। हाँ बात। आपने हमारे भाई को भंडार गृह में क्यों भेजा? अरे तोता और मैना को अलग करने के लिए किसी एक को तो पिंजरे में बंद करना ही होगा ना, ताला कहाँ है? आप हमारे भाई को अंदर बंद कर देंगे? करना आवश्यक है शारदा। तू वो
समंदर खाएगा पिएगा क्या? ओ मूर्ख भाई की बुद्धिमान बहन, भंडार गृह में सब कुछ तो है, ये बताओ ताला कहाँ है? वहाँ। अम्मा ये भी भीतर? हाँ। नहीं रुकूंगा। अरे सुनिए तो। नहीं सुनूंगा, कुछ मत बोलो। अभी मुझे कहा था ना कि कर्तव्य नहीं निभाता, अब निभा रहा हूँ। ये मैंने बंद किया ताला और ये कुंजी फेंकी बाहर। अब तोता अंदर और मैना बाहर, मिलने का कोई विकल्प ही नहीं। मूर्ख है, दोनों तोता मैना भीतर है। अरे तो पहले बताया क्यों नहीं? आपने पता नहीं कह दिया। अब जाइए कुंजी खोज के लाइए और द्वार खोलिए। हाँ, हे भगवान। गुरुजी ये देखिए, शाही भाई खाता तो यहां पर है। यानी हमारी ब्रह्म दृष्टि सही थी, पंडित रामाकृष्णा पुणे दरबार से लौट आया है। बधाई हो गुरुजी, पहली बार आपकी ब्रह्म दृष्टि कार्य कर रही है। छोड़ेंगे नहीं हम उसे। हर हर महादेव। तथाचार्य चलो हमारी बहना बताओ, नहीं तो हम भस्म कर देंगे। शारदा देवी, हमारी भोली बहन कहाँ है? भोली बहन? भोली वाली का तो पता नहीं, लेकिन चतुर वाली भीतर है। और वो कहाँ है? वो भी भीतर है, आपकी बहन के संग है? वो भी भीतर है, यानी दोनों भीतर हैं। क्या हुआ गुरुजी? क्या हुआ गुरुजी? क्या हुआ? कुंजी कहाँ है? मिल गई कुंजी। गई कुंजी कुएं में। गई भैंस पानी में? नहीं लामा, गई कुंजी कुएं में। एक ही बात है गुंडप्पे, गुरुवर को ज्ञात हुआ तो वो मुझे भी कुएं में धकेल देंगे। क्यों, कुंजी तो हमारी है। किंतु बहन तो उनकी है ना। हे भगवान, बिना कुंजी के ताला कैसे खोलेंगे? गुरुवर को पता चला तो वो तो मेरे प्राण ही हर लेंगे। वो दोनों भीतर भंडार गृह में बंद है, अकेले हैं। और आप प्रसन्न हो रही? आपको कोई आपत्ति नहीं है क्या? आपत्ति? गुरुवर घोर आपत्ति है, घोर आपत्ति। पर क्या करें, हमारा हृदय टूट गया है, मन तड़प सा गया है हमारा। तो आपने होने कैसे दिया? हुआ है तो कुछ करते क्यों नहीं आप? हाँ। परंतु गुरुवर, हम कर भी क्या सकते हैं? आप नारी हैं, सब पर भारी हैं, अपनी आवाज उठा सकती हैं। नारी शक्ति असली शक्ति। भयभीत मत होइए, हम भी आपके साथ हैं। हम सब मिलकर हमारी नारी शक्ति दिखाएंगे। किंतु हम नारी नहीं है गुरुजी। हाँ, अब कोई बात नहीं, हम सब मिलकर इनकी नारी शक्ति दिखाएंगे। चलिए द्वार खोलिए। चलिए। द्वार नहीं खुलेगा। अवश्य खुलेगा, अवश्य खुलेगा। स्मरण रखिए, नारी शक्ति। क्या? नारी शक्ति? नारी शक्ति है, कोई ताले की कुंजी नहीं जो द्वार खुल जाएगा। कुंजी कहाँ है? फेंक दी। फेंक दी? फेंक दी? उन्होंने फेंक दी। कुंजी तो गई गुड्डप्पे, अब द्वार कैसे खोलेंगे? वो तोता मैना को बाहर कैसे निकालेंगे? बिना कुंजी के ताला खोलने का कोई तो उपाय होगा ना? दिल्ली सा मान पंडित मुझे पूछ ले,
तो खुद सोच के ही बोलना होगा। तुझने दे लामा, तुझने दे, कोई ना कोई उपाय अवश्य ही मिलेगा। हाँ, तो सोच 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 सोच। एक तो स्वयं को भीतर बंद करवाया और कुंजी भी फेंक दी, वो भी सब अपने परिवार के समक्ष। छी छी छी, कितना नालायक है आपका पुत्र। सावधान, मेरे पुत्र को नालायक कहा तो। अब शारदा देवी, हमने आपके भास्कर को नालायक नहीं कहा है। हाँ गुरुवर, शब्द हमारे हैं परंतु विचार अम्मा के हैं। अम्मा कह रही है उनके पुत्र को नालायक मत कहिए। वाह दादी अम्मा, इसे कहते हैं पुत्र प्रेम। आज प्रथम बार आपको दादी मानने में गर्व हो रहा है। मेरा पुत्र नालायक नहीं, निकम्मा है। हाँ वो तो हम जानते हैं, निकम्मा है। नहीं नहीं अम्मा, वो केवल निकम्मे नहीं है, थोड़े से वो भी है। गुरुजी, थोड़े से वो भी है। यदि पंडित रामकृष्ण वो भी है तो हम भी वो है। क्या आप भी कपटी है? हाँ। नहीं, हम शक्तिशाली पंडित तथाचार्य। कुंजी नहीं है तो क्या हुआ, हम ताला तोड़ भी तो सकते हैं। हाँ, हम ताला तोड़ेंगे। आइए। अभी ठोस से ताला कौन तोड़ पाएगा? हम तोड़ेंगे, और कौन तोड़ेगा? और हम भी पूरा पूरा साथ देंगे। हाँ, तोड़ो तोड़ो, तत्पश्चात ताला तोड़ने वाले का मस्तक मैं तोड़ दूंगी। हम भी पूरा साथ नहीं देंगे। मेरे रहते इस ताले का कोई बाल भी बागा नहीं कर सकता। अम्मा अम्मा अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप? अंदर एक पर पुरुष एक पराई स्त्री के साथ बंद है और आपको ताले की पड़ी? ऐसे क्या है इस गले सड़े ताले में? पारिवारिक रहस्य है, मैं नहीं बताऊंगी। तो अम्मा, हम भी तो परिवार जैसे ही हैं। तो जी परिवार जैसे? आपने अपनी बहन का रिश्ता इनके घर में स्वीकार कर लिया है क्या? नहीं, हम परिवार जैसे नहीं है। नहीं बताना चाहती आप अपना पारिवारिक रहस्य तो मत बताइए, परंतु हम बताते हैं। यदि आपने ताला नहीं तोड़ने दिया तो हमें विवश होकर ये द्वार तोड़ना पड़ेगा। तोड़ लीजिए यदि आपसे द्वार टूटता है तो, परंतु ध्यान रहे मेरे ताले को कोई खरोच भी नहीं आनी चाहिए, वो हिलना भी नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, नहीं आएगी खरोच। धनी मनी। जी गुरु जी। हम इस ताले को पकड़ते हैं, तुम पीछे जाओ, तीव्र गति से दौड़ कर आओ, द्वार से टकराओ और तोड़ दो इस द्वार को। जी गुरु जी, जैसी आपकी आज्ञा। वो इतना ठोस मजबूत पुराना ताला है, इतनी सरलता से टूटेगा नहीं, उसे तोड़ने के लिए तो कोई ठोस वस्तु ही चाहिए होगी। हाँ आज हम सांड की भांति जाएंगे और हाथी की भांति टकराएंगे। हमें कभी कभी मौका मिलता है अपनी शक्ति दिखाने का, और आज हम शक्ति दिखाएंगे। हिलमनी, तोड़ लगा। मिल गई ठोस वस्तु। मिली टांग? अले तेली टांग नहीं, तेरे टांग के नीचे रखा पत्थर। अब इसी ठोस वस्तु से वो ताला टूटेगा। कोई बात नहीं, पुनः प्रयास कीजिए। हाँ, करत करत अभ्यास सी जड़मती हो सुजान। जानी मनी, चलो यहाँ से। क्या हुआ, परम पंडित होकर इतनी जल्दी पराजय स्वीकार कर ली? नहीं, हमें पराजय स्वीकार नहीं है, पराजय स्वीकारना हमारी प्रवृत्ति में नहीं है। हम आएंगे, लौट कर आएंगे, और इस बार कुछ ऐसा लेकर आएंगे ये द्वार भी टूटेगा और पंडित रामकृष्ण के परिवार का असत्य अभिमान भी। Thank you.
ना जाने अब क्या होगा।